ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। कैसे फंक्शन बनाते हैं, void fun1, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें हम लोग आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल int a कॉमा int b, ऐसा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया है, नॉर्मल वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसमें सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें सिंगल वैल्यू स्टोर हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यू लूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना सकता हूँ ऐसा, बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पास किए, एरे हम लोग इस फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास किए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये एरे जानते हो, एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। हमने यहाँ सिंगल वैल्यू पास ना करके हमने एक एरे पास किया, क्या पास किया, एरे पास किया, किसमें पास किया, फंक्शन में। ये फंक्शन है, जानते हो ना फंक्शन कि नहीं जानते हो, पता है फंक्शन कि नहीं पता है, ठीक है। फंक्शन में हम लोग ऐसे आर्गुमेंट क्या पास किए, यहाँ पे एरे को पास किए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में यही चीज पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग इस फंक्शन पे एरे को पास करते हैं और एक्सेस करते हैं, ठीक है, एक्सेसिंग और पासिंग एरे टू फंक्शंस, ठीक है। आया समझ में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, भूले भटके कभी भी आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंटेक्स से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तीन मेथड होते हैं किसी भी एरे को एक्सेस करने के या फिर किसी फंक्शन में पास करने के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एरे नेम, ठीक है। हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं, पासिंग एरे, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट वे यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा सिंटेक्स था, ठीक है। मेथड्स टू डिक्लेयर ए फंक्शन दैट रिसीव्स एन एरे एज एन आर्गुमेंट, हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को और वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एरे एक्सेप्ट कर रहा है एज ए आर्गुमेंट, ठीक है। उसी के यहाँ पे तीन मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट वे है इसका, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप मतलब जो भी डेटा टाइप है हमारा, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे फंक्शन नेम और उसके बाद यहाँ पे एक एरे पास करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में किया, ठीक है। पहले क्या लिखे हम लोग, डेटा टाइप लिखे मीन्स रिटर्न टाइप, और उसके बाद फंक्शन नेम लिखे और उसके बाद एक एरे पास किए, ठीक है। तो ये मेथड वन था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मेथड, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फिर उसके बाद टाइप एरे नेम ऑफ साइज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग साइज डिफाइन नहीं किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, साइज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शनल होगा, कैसे ऑप्शनल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट लिया है, ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, अगर वहां से तीन वैल्यू आ रही है तो तीन वैल्यू ही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब इसका साइन, साइज जो है इस टाइप, मतलब इस टाइम पे वो क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा, ठीक है, फिक्स साइज नहीं रहेगा, ठीक है। आया समझ में, तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो साइज भी दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिटर्न टाइप, फंक्शन और टाइप एरे नेम, और यहाँ पे हम लोग इस एरे को क्या बनाया है, पॉइंटर बनाया है, क्या बनाया है, पॉइंटर, ठीक है। इसकी पूरी कहानी हम लोग यूनिट 5 के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मेन मेन चीज ही पढ़ाऊंगा उसको, जो एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। समझ में आया, तीनों मेथड क्या डिफरेंस है तीनों में, एक में हम लोग विदाउट साइज लिए, ठीक है, साइज इसमें नहीं लिए, ठीक है। सेकंड में हम लोग साइज भी डिफाइन किए और थर्ड में हम लोग एरे का एक पॉइंटर बना लिए, ठीक है, क्लियर है, इसको नोट करो, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पासिंग एन एरे टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा, एक तो एरे को हम लोग किसी फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, दूसरा कैसे हम लोग उसको पास करेंगे, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, void display नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर भी इसको करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, void display, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंट कॉमा इंट, ठीक है, हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे उसको डिफाइन किए, कैसे डिफाइन किए, यहाँ पे void display int age 1 कॉमा इंट एज 2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया है एज 1 को और एज 2 को प्रिंट कर लिया है, ठीक है। प्रिंटफ स्टेटमेंट सभी को पता है कैसे लिखते हैं, सेम वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मेन फंक्शन में, ठीक है, मेन फंक्शन में आए और सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, एज एरे ऑफ, यहाँ साइज हमने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं अगर डायरेक्टली हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं तब, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने 2, 8, 4, 12 से इसको इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। इसके अंदर 4 वैल्यूज हमने दिया है, 2, 8, 4 और 12, ठीक है। 2 के लिए इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 8 के लिए इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। 4 के लिए क्या होगा, 2 होगा। 12 के लिए क्या होगा, 3 होगा। तो 0 से लेके 3 तक इंडेक्स जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पासिंग सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट टू डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट पास करेंगे हम लोग, सेकेंड और थर्ड, मतलब ये सेकेंड और थर्ड एलिमेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे पास किया डिस्प्ले और यहाँ पे हमने एज एरे ऑफ इंडेक्स 1 पास किया। यहाँ पे सबसे पहले क्या पास किए, इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 किसका है, 8 का है, ठीक है। कॉमा एज एरे ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। इंडेक्स 2 किसका है, 4 का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस एरे को पास किया इस फंक्शन पे एज ए आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पास किया यहाँ पे हमने, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो उस समय जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं, तो कौन सी वैल्यू होती है, वो कौन सा पैरामीटर होता है। दो टाइप के पैरामीटर हमने पढ़े थे, कौन कौन सा, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। जो फंक्शन कॉलिंग के समय पे हम लोग पास करते हैं, कौन सा पैरामीटर होता है, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक्चुअल पैरामीटर हमने किसको पास किया, एरे को पास किया, किसको पास किया, एरे को पास किया। हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू से इसको एक्सेस किया है, ठीक है। हमने इस एरे को कैसे एक्सेस किया है, इंडेक्स वैल्यू से, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू से भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, पता है, ठीक है। हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 दिया और इंडेक्स नंबर 2 दिया, हमने इस एरे को इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया और किस में पास किया, इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन पे पास किया, ठीक है। अब कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, इस फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा, और एज एरे ऑफ इंडेक्स 1 मतलब वैल्यू 8 कहाँ पे आ जाएगा, इस एज 1 के पास आ जाएगा। वैल्यू कॉपी हो जाएगी, किसमें कॉपी होगी, 8 वैल्यू किसमें कॉपी होगी, एज 1 में कॉपी हो जाएगी, और 4 किसमें कॉपी हो जाएगा, एज 2 में कॉपी हो गया। अब दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। किस किस की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, एज 1 की वैल्यू को और एज 2 की वैल्यू को, ठीक है। दोनों यहाँ प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लगाए और हमने डिस्प्ले कर लिया, तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, 8 और 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीज किया, सबसे पहला कि हमने एक फंक्शन में एरे को पास किया और वहीं पे उसको एक्सेस किया है, कैसे एक्सेस किए, इंडेक्स वैल्यू से, ठीक है, समझ में आया। जैसा हम लोग नॉर्मल वेरिएबल पास करते थे वैसे ही यहाँ पे हम लोग इस एरे से किसी वैल्यू को एक्सेस किए, ठीक है। वैल्यू एक्सेस कैसे होगा, एरे का इंडेक्स से, ठीक है। हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग को सीक्वेंशियली इसको एक्सेस करना होता, मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको एक्सेस करना होता, तो कैसे करते हैं, फॉर लूप लगा के, ठीक है। याद रखना, अगर कोई सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग को सिक्वेंशियली करना है, मतलब इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, या फिर इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर 5 से स्टार्ट करना है, लेकिन सिक्वेंशियली उसको एक्सेस करना है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तब हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पासिंग एन एरे टू फंक्शन।